नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कि कई बार महिलाओं के ब्रेस्ट में दर्द की शिकायत होती है और ये दर्द कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तमाम जानकारी इस मुद्दे पर देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चारू मोदी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रिया। डॉक्टर साहिबा, कई बार महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि स्तनों में दर्द रहता है और स्तनों में दर्द इतना ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाता है कि एक कहें कि वो जीना मुश्किल ही हो जाता है, काफ़ी परेशानी होती है। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्तन में दर्द होना, जिसको हम ब्रेस्ट पेन कहते हैं आम भाषा में। ये युवावस्था से लेके मेनोपॉजल लेडीज़ तक कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी महिला को ग्रसित कर सकता है। आमतौर पे जब देखें, जब किशोरावस्था शुरू होती है तो हार्मोन चेंजेस होते हैं एक लड़की के अंदर, उसके कारण भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है। हार्मोन फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी कभी कुछ इन्फेक्शन होता है उसके कारण ब्रेस्ट पेन हो सकता है, या स्तन में कोई गांठ हो या कोई ट्यूमर हो या कोई एब्सेस जिसे हम कहते हैं ना, एक मवाद पड़ जाए ब्रेस्ट में, तो भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है। तो ब्रेस्ट पेन होने के बहुत कारण हो सकते हैं। इसकी वजह से जैसा कि आपने गांठों की अभी जिक्र किया, बताया कि पस भी बन जाता है, इनसे फ्यूचर में और तरह की समस्याएं होने के चांसेस? जैसे पस बनना, तो हम जब बोलते हैं, जबकि एक महिला ज़्यादातर उस समय बनता है जब वो महिला दूध पिला रही होती है बच्चे को, तो कभी निपल में क्रैक हो जाता है, कट हो जाता है, या स्किन में कभी कट हो जाए तो भी उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है और वो कहीं ना कहीं अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो वो ब्रेस्ट एब्सेस का रूप ले लेता है, जिसके कारण ब्रेस्ट पेन होता है। गांठ, जहाँ तक आपने कहा, गांठों में बहुत तरह की गांठें होती हैं, जो कि हर गांठ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि हर गांठ कैंसर नहीं होती है। उचित समय पे सही इलाज हो तो गांठों का नेचर पता चलता है कि वो किस तरह का गांठ है स्तन में। बहुत सारी गांठ इनोसेंट होती हैं जिसे हम बेनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं, और कभी कभी अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए, इसको अनदेखा कर दिया जाए, तो ये कभी कभी कुछ भयानक भयंकर बीमारी जिसको हम कैंसर कहते हैं उसका भी एक स्वरूप हो सकता है। तो कोई भी गांठ हो, कोई भी स्तन में पेन हो, कभी भी हो, तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करके सलाह लीजिए और सही इलाज कराइए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कई बार महिलाएं जो है ये फ़र्क नहीं समझ पाती हैं कि स्तनों में दर्द हो रहा है या फिर उस जगह पे दर्द होने वाला दर्द किसी अन्य कारण से हो रहा है। हाँ, जैसा मैंने कहा ना कि क्योंकि आमतौर पर सब जनरल पॉपुलेशन को ये नहीं पता होता कि हमारे ब्रेस्ट में क्यों दर्द हो रहा है, इसीलिए आपको उचित परामर्श के लिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि वो पता कर सकें कि नेचर ऑफ पेन कैसा है। कभी कभी इनोसेंट पेन ट्यूमर्स की वजह से होता है, कभी कभी जैसे मैंने कहा कैंसर की वजह से भी गांठ जो हो जाती है उनमें भी पेन होता है। तो आप घर में चुपचाप ना बैठें, अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें और इसका उपचार अवश्य कराएँ। आपने जिक्र किया था कि दूध पिलाने की वजह से जो है कई बार ये पस बन जाता है, तो क्या इसका ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? हाँ, यूजुअली जो हम कहते हैं ना ब्रेस्ट एब्सेस, जब दूध पिलाने के दौरान जब बनती है, एक महिला स्तनपान कराती है तो ब्रेस्ट एब्सेस बन सकती है। तो शुरुआती दौर में ही ब्रेस्ट एब्सेस, क्योंकि छोटी अगर है तो उसको बहुत आसानी से एंटीबायोटिक कवरेज देके, चाहे पेन किलर्स देके, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देके हम इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और इसको भयानक रूप इसका होने से हम बचा सकते हैं। कभी कभी महिला जो होती है वो डॉक्टर के पास या हम लोग के पास तभी आती हैं जब काफ़ी बड़ी गांठें बन जाती हैं, जिसको हम ब्रेस्ट एब्सेस कहते हैं, ह्यूज ब्रेस्ट एब्सेस। तो आजकल तो उसकी दो विधि से उपचार किया जाता है, अगर ब्रेस्ट एब्सेस छोटी है तो उसको सिरिंजिंग द्वारा अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से पस को निकाला जाता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा एब्सेस है जो कि बहुत जिसमें पस भरा हुआ है तो वो फिर एक उसमें चीरा लगाया जाता है जिसको हम इंसीजन एंड ड्रेनेज कहते हैं, और चीरा लगा के पस को बाहर निकाला जाता है और फिर महिला की ड्रेसिंग होती है तो वापस से स्तन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है ड्रेसिंग के बाद। इसके अलावा अगर देखिए कि जो गांठ बना है, एक महिला समझ कैसे सकती है? ये तो महिला अपने आप भी देख सकती हैं, उनको अपने ब्रेस्ट में अगर जब पेन हो तो वो देखें अपना ब्रेस्ट छूकर, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, उसको छूकर देखें। अगर उनको कोई हार्ड सी स्वेलिंग फील हो रही है या कोई गांठ फील हो रही है या कुछ ऐसा दर्द है वहाँ पे, कुछ स्वेलिंग बन गई है,
तो उनको समझ में आता है कि हमारे ब्रेस्ट में नॉर्मल ये चीज़ नहीं है, नॉर्मल से चीज़ अलग हटके है, तो वो खुद भी महिला अपने आप ये पता कर सकती है कि हमारे गांठ स्तन में ये गांठ नॉर्मल नहीं है, तो वो हमारे पास आती हैं दिखाने। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा जो आपने जानकारी दी है कि आखिर स्तनों में दर्द क्यों होता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर चारू मोदी को सुनाए थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि एक महिला के स्तनों में दर्द क्यों होता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, साथ ही उन्होंने हमारे साथ उपचार के बारे में भी जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।